तस्वीरें लखनऊ की दिखाता है जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने वैक्सीन लगवाई है। बलरामपुर अस्पताल जहां पर सुबह सुबह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने उन तमाम डॉक्टर्स से बात की जिन्होंने पहला वैक्सीन लिया है। कोरोना वैक्सीन आज जोर शोर से शुरू हुआ, डॉक्टरों ने लेना शुरू किया, जो स्वास्थ्य कर्मी है उन सबों को ये वैक्सीन लग रही है। अलग अलग अस्पतालों में 100-100 वैक्सीन लग रही है। हम इस वक्त बलरामपुर अस्पताल में हैं और बलरामपुर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, ज्यादातर लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कराई है। और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर्स तमाम लोग मौजूद हैं। पहले आप देख लीजिए इस तरीके से वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि पहला जो चरण है उसमें डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें लगाया जाएगा। तो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर साहब हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनका ये वैक्सीनेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। डॉक्टर यादव हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपने आपको वैक्सीन अभी लगाई गई, ये बताइए कि क्या मनस्थिति है सब लोगों की, डॉक्टरों की? डॉक्टरों में काफी जोश है इसे लगवाने के लिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्लान है उसको पूरा सक्सेस करने का प्लान है। किसी तरह का कोई भय खौफ? कोई डॉक्टरों में कोई भय नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी खुद भी इसको फेस कर चुके हैं और हमारे डायरेक्टर साहब का पूरा सहयोग रहा, हम लोग अच्छी तरीके से खुद भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये पूरी डॉक्टरों की टीम है जो हमारे पीछे इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, यहाँ के डायरेक्टर हैं, साथ साथ तमाम डॉक्टर्स हैं जिनके कार्ड भी आपको दिखेंगे। इन सबों का आज वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट फेज में। सर, ये बताइए कि कैसा रहा आज का ये वैक्सीनेशन, आप लोगों ने खुद सबने अनुभव किया? देखिए, बहुत गर्व का विषय है कि भारत में दो वैक्सीन बनी है और आज पूरे देश को ये वैक्सीन मिल रही है। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कब वैक्सीन आएगी, क्योंकि हम लोग रोज कोरोना से लड़ रहे थे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमको वैक्सीनेशन हुआ है। अब हम बिना किसी खतरे के, बिना किसी डर के कोरोना के मरीजों का भी आगे इलाज कर सकेंगे। हमारे यहाँ 102 लोगों का आज वैक्सीनेशन का लिस्ट है, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, फोर्थ क्लास हैं, सभी लोग हैं, और उन सब ने आज यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है। और यहाँ पे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी देखा गया, फिर यहाँ इस कमरे में वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए वो बैठे। किसी को भी कोई समस्या नहीं, सब बहुत लगवाने के बाद बहुत प्रसन्न है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी लगवाया, ये कार्ड है आप देख सकते हैं, ये कार्ड है, इस तरह के कार्ड सभी लोगों को इशू किए गए हैं जिन्हें आज वैक्सीन दिया जाना है, और ये सब फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर, आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, और पहले दिन वैक्सीनेशन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें लगवाए हुए 1 घंटा हो गया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और हम सबको ये आग्रह करेंगे कि सभी लोग इससे बिना भय के लगवाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ढेरों लोग अब लाइन में खुद को कतार में खड़ा करेंगे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्योंकि कई तरह की इसके बारे में भ्रांतियां भी कही गई? देखिए, बिल्कुल निर्भीक होकर बहुत प्रसन्न मन से, उत्साह पूर्वक इस वैक्सीन को सब लोग लगा रहे हैं, और जो लगाने आएंगे मैं उन सबसे कहता हूं कि आइए खुशी खुशी लगवाइए और अपने को इस महामारी से सेफ कर लीजिए। और खाली अपने को ही नहीं करेंगे, जब आपको नहीं होगा तो आपके परिवार नहीं एक्सपोज होंगे, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स हॉस्पिटल में आते हैं, सब तरह के मरीजों से एक्सपोज होते हैं और अपने संग बीमारी लेके घर जा सकते हैं। तो जब उनको नहीं होगी तो वो यहां से बीमारी लेके घर भी नहीं जाएंगे। तो ये टीका जो है खाली उनके लिए नहीं है, उनका पूरा जो परिवार है, उनका जो पूरा समाज है, उसका टीकाकरण है। आप लोग, डॉक्टर साहब, आप लोगों ने लगवाया? जी, हम लोगों ने लगवाया और बहुत खुशी महसूस हो रही कि हम लोग पहले दिन के इसके साक्षी बने और लगवा के हम लोग इसके लाभार्थी बने। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और इसको सफल बनाएंगे। मैं आपको पूरी चीज और कहना चाहूंगा, बलरामपुर अस्पताल में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया है कोरोना वॉरियर्स का, वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे कोरोना वॉरियर्स ने इस बीमारी को रोका है फैलने से। बहुत बढ़िया, हम उस चित्र को भी देखेंगे। लेकिन ये फ्रंटलाइन डेस्क है जहां पर लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, और ये पूरा प्रोसेस है जिसे कि आप देखेंगे। आप लोगों ने कितने लोगों को वैक्सीनेशन? सर, अभी हमारा 50 कैंडिडेट्स बेनिफिशरीज हो चुके हैं कंप्लीट। किसी तरह कोई खौफ या किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर इंसान हंसते हुए आ रहा है और हमारा स्टाफ वैसे ही फ्रंट पे खड़ा है और बहुत खुश है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सर, अब हम लोगों को काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे से जो कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रहे थे कि कुछ खास वॉरियर बने, तो हम ये भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इस करने के लिए देखिए सामने लगी है ये कोरोना वॉरियर्स करके ये पेंटिंग है, इसमें दिखाया गया है कि ये देखिए कैसे ये चाइना के झंडे से ये वायरस निकला है और कैसे हम पूरे स्वास्थ्य कर्मी इसको कोविशील्ड
और वैक्सीन और पीपीई किट इन सब के माध्यम से हम इसको रोक रहे हैं। नीचे हमारे जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी सब काम कर रहे हैं और नीचे देखिए मरीज जो है कैसे हम उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। तो ये बलरामपुर अस्पताल है, यहाँ का हाल हमने आपको दिखाया। डॉक्टर फ्रंटलाइन में खड़े रहे, सबसे पहले इन लोगों ने लिया, जो नर्सेज थी, जो दूसरे हेल्थ स्टाफ थे, सब लोगों ने इस वैक्सीन को लगाया है। और सबसे अच्छी बात कि किसी के चेहरे पे कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, और लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगाएं। स्वदेशी वैक्सीन है और इसकी एंटीबॉडी भी अच्छी आएगी। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ, आज तक।